नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्ट्रीम पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बायोलॉजी के मिसलेनियस क्वेश्चन में विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के अंतर्गत आज ये तीसरा पार्ट और ये आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग अगले मिसलेनियस के तरफ बढ़ेंगे। फाउंडेशन बैच आप सभी को वीडियो मिल रहा है, आप सभी उसमें अपने दिमाग को लगाएं और अच्छे से पढ़ें। तत्काल हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। और आज हम लोग जो करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, कुल मिलाकर के तीन वीडियो हो गया, लगभग 15-15 मिला के 45 साइंस के इंपॉर्टेंट ब्रांच आप सभी को अवेलेबल करा दिया। इन सभी को याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको इससे सवाल आएंगे और आप एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाओगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं विद्यार्थी जीवन का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और विभिन्न किताबों का अध्ययन करने के बाद, विभिन्न पुस्तकों का, विभिन्न नोट्सों का अध्ययन करने के बाद, बड़े बड़े शिक्षकों का नोट्सों का अध्ययन करने के बाद, उसका जो निचोड़ चीज़ है, जो आप चीज़ को पढ़ना चाहिए, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि मैं इस वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत एक लंबी मेहनत करने के बाद तब मैं आपके सामने प्रस्तुत होकर आता हूं कि हाँ, मैं उन सभी भाइयों के लिए भी वीडियो बना दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आप समझिए, ये बहुत मेहनत किया हुआ चीज़ है, छांटा हुआ चीज़ है, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मिल जाएंगे। ये समझिए, आपको बिना मेहनत किए हुए क्रीम मिल रहा है, तो क्रीम खाने से चूकिए मत। बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं बाबू, उसका नाम है जंतुओं के व्यवहार के बारे में। जैसे कि कुत्ता किस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ कर सकता है, गाय भैंसी किस तरह का व्यवहार कर सकता है, टाइगर मेरे साथ किस तरह का बिहेव कर सकता है, तो बिहेव को कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे अपने अनुसार उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका नाम है इथोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जंतुओं के व्यवहारों के अध्ययन के बारे में। अगला है जिसका नाम है जेनेथोलॉजी। जेनेथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, वृद्धावस्था में क्या क्या होता है, वृद्धावस्था में कौन कौन सी चीज़ हमारे शरीर में कमी हो जाती है, वृद्धावस्था में क्या क्या खामियाँ आ जाती है, वृद्धावस्था में कौन कौन चीज़ का सतर्कता बरतना चाहिए। नहीं, वृद्धावस्था से एक मुझे गाना याद आ रहा है, वो मनोज कुमार मृदुल जी का गाया हुआ है, मनोज तिवारी जी का, कि बुढ़वा मलाई खाए बुढ़वा खाए लपसी, बुढ़वा मलाई खाए बुढ़वा खाए लपसी, या केहू से न कम ई पुतोहिया पिए पेप्सी। नया मॉडल जवानी के घर में पुतोहिया है, तो बुढ़ारी में वो मलाई खा रहे ताकि उसके अंदर वीकनेस कंट्रोल हो, तो पुतोहिया का देख कर दिक्कत हो गया, इसीलिए गाना फरमाया गया कि बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी, या केहू से न कम पुतोहिया पिए पेप्सी। क्या है कि नयका जमाना वाले लड़का को मट्ठा अच्छा नहीं लगता है, वो पिएगा पेप्सी, जो आपके लिए हो सकता है शरीर के लिए हार्मफुल। लेकिन खैर, वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे, जेनेथोलॉजी। अगला है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, बादलों के बारे में अध्ययन करते हैं। जा पूछ उन बादलों से कि तेरा अध्ययन करना है मेट्रोलॉजी में, जा पूछ उन बादलों से कि मैं तेरा अध्ययन करूंगा मेट्रोलॉजी में, मेट्रोलॉजी में, मेट्रोलॉजी में। अगला है ओल्फैक्टोलॉजी। ओल्फैक्टोलॉजी का मतलब होता है सुगंध, सेंट, हाय कितना अच्छा सेंट है, नहीं तो सुगंध के बारे में, छी छी कितना महक रहा है, दुर्गंध के बारे में, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं उसका नाम है ओल्फैक्टोलॉजी। ओल्फैक्टोलॉजी, ओल्फैक्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं सुगंध के बारे में चाहे दुर्गंध के बारे में। अगला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का, या इसको वर्मी कल्चर को आप समझ सकते हैं, वर्मी कल्चर जिसमें केंचुआ के बारे में अध्ययन करते हैं, केंचुआ के कार्य के अध्ययन के बारे में करते हैं, और यही केंचुआ जो किसान के मित्र होते हैं, इन्हीं केंचुआ से हम लोग वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद भी तैयार करते हैं। तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, केंचुआ के बारे में पढ़ेंगे। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर के बारे में अध्ययन करते हैं, अंगूर के विभिन्न तरह के प्रजाति को विकसित करने की कोशिश करते हैं विटीकल्चर के अंतर्गत। अगला जो होगा उसका नाम एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फूल का अध्ययन करते हैं। एक बात बता दे रहा हूँ, एक नॉर्मल फूल होता है, एक सजावटी फूल होता है। तो ऐसे फूल जो नॉर्मल सभी फूलों का अध्ययन करने जाए उसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी, लेकिन अगर सजावटी फूल का अध्ययन करेंगे तो उसका नाम होगा फ्लोरिकल्चर। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं सीधे पुष्प का अध्ययन, और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग करते हैं डेकोरेटिव, मतलब सजावटी फूलों का अध्ययन। अगला जो है उसका नाम है ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी का मतलब
बालों का अध्ययन नहीं, लड़की सबका एक दिमागी क्षेत्र है, नहीं सारा का अरेंज हो जाएगा, एगो नीचा का यहाँ पर लटकल है, होगा दिन भर ज्ञान मंत्र कुछ बताइएगा तो बोले नहा क्या काम है, और बाल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहेगा ना, तो ज्ञान है। इस बालों के बारे में अध्ययन करेंगे, मुस्कुरानी लड़कियों की अदा है, और जो इसे प्यार समझे वो गधा है, प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि लैला मंजू कहानी सुन चुके हैं, हीर रांझे का कहानी सुन चुके हैं। प्यार करना है तो नौकरी से करो, गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में रहो, और जब नहीं नौकरी मिली छोकरी मिली, मतलब जैसे ही नौकरी मिलेगा एक पर एक अच्छा अच्छा प्रस्ताव आएगा और दिन आपका अच्छा चल जाएगा, ठीक है। तो ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करेंगे बालों का अध्ययन। लड़की सब समझ रही होगी कि हिप कट पॉप कट बाल का अध्ययन करना, जी नहीं, उस बाल के बारे में हम नहीं करेंगे, बाल का डिजाइन का अध्ययन नहीं करना है, बाल के बारे में अध्ययन करना है कि आपका बाल में कौन के कारण फॉलिंग हो रहा है, आपका बाल क्यों नहीं विकास कर रहा है, बाल का रंग सफ़ेद क्यों हो जा रहा है, बाल का रंग काला, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका नाम है ट्राइकोलॉजी। अगला है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी का मतलब सुंदरता का अध्ययन, सुंदरता का अध्ययन करते हैं, नहीं यहाँ तो 5 रुपया का फेयर लवली लेते हैं, नहीं नया फेयर लवली 5 रुपया लगाइए आदमी गोर, और यहाँ कहता है कैलकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सुंदरता के बारे में अध्ययन करेंगे, आप सुंदर कैसे होइएगा, सुंदरता होने के लिए क्या करना चाहिए, तो लड़की लोग का जवाब होगा ठोको, सुंदरता के बारे में अध्ययन किसमें करते हैं, सुंदरता कहाँ हो सकता है, तो ब्यूटी पार्लर में, जी नहीं, सुंदरता का अध्ययन करना है तो कैलोलॉजी में, किसके अंतर्गत करेंगे कैलोलॉजी, वहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि आपका नेचुरल सुंदरता किस प्रकार की हो ना, तब तो आपको कोई देख करके गीत गाएगा कि ना कजरे की धार ना मोतियों की हार ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो, आ जब तुम सुंदर हो जाओगे तब उसका अध्ययन हम लोग करेंगे कैलकोलॉजी में, किसके अंतर्गत कैलोलॉजी में। अगला है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर, 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 और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग करेंगे फसल के बारे में अध्ययन, किसके बारे में, फसल के बारे में अध्ययन करेंगे, किसान खेत में खेती करते करते थक जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, इसलिए उसका नाम रखा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फसल का उत्पादन। अगला है ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवों में पोषण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जैसे स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉप्स, पारपोषी पोषण, उसके बाद मृतजीवी पोषण, ठीक है ना, विषम पोषी पोषण, परजीवी, बहुत तरह इन सारे चीज़ों में पोषण आते हैं, तो पोषण का अध्ययन हम लोग किसी के बारे में करते हैं तो वह होगा ट्रोफोलॉजी। अगला है फ्लोरिकल्चर के बारे में बता दिया था पहले ही, फ्लोरिकल्चर का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं बाबू, सजावटी पौधों पुष्प के बारे में अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर में। अगला है बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही क्लियर, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु, जीवाणु का अध्ययन कीजिएगा तो बैक्टीरियोलॉजी। और अगला जो है वो है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग विषाणु के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये दोनों नाम से क्लियर होता है बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी। लास्ट में है जिसका नाम है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के अंतर्गत हम लोग पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, नहीं और नारा देते हैं हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, लेकिन हमारे को रामचंद्रा है, रामचंद्रा कहता है हम दो हमारे गिन लो, नहीं तो गिनाइए नहीं कि कै गो है, ये सब गलत बात है, हम दो हमारे दो कोशिश कीजिए एक ही हो जाए तो अच्छा है, आप पढ़ा करके बढ़िया लाइक कीजिए, नहीं नहीं कि बहुत सारा हो गया हम दो हमारे गिन लो, कितना फैक्ट्री एकदम तैयार हो रहा है और रोड पर बगवा रहा है, उसका अध्ययन करेंगे डेमोग्राफी के अंतर्गत। तो बच्चा कम से कम मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, हम दो और हमारे दो का नारा पालन कीजिए, हो सकता है एगो कमे कर दीजिए लेकिन एगो बढ़ाइए नहीं, चाहे बेटा हो या बेटी सबको समान अधिकार है, उन पुराने जमाने के भातिक में पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हम दो हमारे दो, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि भारत की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं साइंस के इन सभी शाखाओं को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।